जितना मैदान हमें दिखाई दे रहा है सामने, पूरा का पूरा मैदान भरा है और सामने जो पाइप पड़े हुए हैं उसमें भी बड़ी संख्या में लोग खड़े भी हैं, गोले के अंदर बैठे भी हैं। ये छत भरी हुई है, सड़क पूरी भरी पड़ी दिखाई दे रही हमें। मंच के दाएं हाथ पर लोग हैं, वो मंच भरा है, पीछे बाउंड्री में खड़े हैं, बाईं तरफ जगह छोटी पड़ गई है, लोग दिखाई दे रहे हैं दूर तक, जहां पीपल का पेड़ है वहां तक लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, मंच के पीछे लोग दिखाई दे रहे हैं। और इतना जन समर्थ देख करके मैं कह सकता हूं, इस बार आपने छक्का लगाने का मन बना लिया है। क्रिकेट में इससे ज्यादा एक बॉल पर रन नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये उत्साह और जोश ये बता रहा है कि इस बार शाहजहांपुर के लोगों ने सभी सीटों को जिताने का मन बना लिया है। मुझे खुशी है इस बात की, जब से समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सबको स्थान और सबको सम्मान, आज भारी बहुमत समाजवादी पार्टी के और गठबंधन के लोगों को मिल रहा है। मैं देख रहा हूं नीरज मौर्य भी जीत रहे हैं, कहां है ये भी जीत रहे हैं, रोशन लाल वर्मा जी भी जीत रहे हैं, ये दोनों जब से साथ आए हैं, राजेश यादव जी जाने कहां किस गिनती से जीतेंगे, राजेश वर्मा जी भी जीत रहे हैं, उपेंद्र पाल सिंह भी जीत रहे हैं, और ये जब सब लोग आ गए हैं तो तनवीर खान भी इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। बताओ जिता रहे हो कि नहीं जिता रहे हो? और जब से हवा चली है पहले चरण से, हवा चली है, बताओ बीजेपी के लोगों का मौसम खराब हो गया कि नहीं हो गया? जो परिणाम आना था 10 मार्च को, 10 फरवरी को ही वोट डाल करके लोगों ने बता दिया है कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जब से किसानों ने और नौजवानों ने वोट डाला है, हमें लग रहा है बीजेपी की खाट खड़ी हो गई है। और शाहजहांपुर आते आते बताओ सब साफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा जन समर्थन, ऐसा समीकरण और ऐसा उत्साह और ऐसा सभी लोगों का सहयोग कभी देखने को नहीं मिला। आज समाजवादी पार्टी के साथ हर वर्ग के लोग खड़े हैं, हर वर्ग के लोग समर्थन करना चाहते हैं, हर एक वर्ग आपके साथ आ गया है। जब से क्षेत्रीय दलों को साथ लिया है, आपके ये पॉलिटिकल पार्टी भी आ गई है, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी पीला रंग भी साफ दिखाई दे रहा हमें, महान दल वाले ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा रंगों का साथ पहली बार देखा होगा, सब रंग साथ आ गए हैं। ये जब सब रंग साथ आ गए, जो एक रंगी हैं उनका पता नहीं लगेगा इस बार। इधर बीजेपी के लोग, इनके बड़े नेता जरूर आए होंगे यहां पर, बीजेपी के नेता आगे जा चुके होंगे, अब तो कोई नहीं आ रहा होगा।
उनके भाषण याद है कि नहीं याद है? अगर उनका छोटा नेता आया होगा तो छोटा झूठ बोला होगा, और जब थोड़ा बड़ा नेता आया होगा तो थोड़ा बड़ा झूठ बोला होगा, और अगर सबसे बड़ा नेता आया होगा तो सबसे बड़ा झूठ बोला होगा। बताओ ये भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है कि नहीं है? ये लोग कह रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसकी आय दोगुनी हो गई? और हमारे किसान भाइयों के बेटे भी हैं, बताओ कहां आय दोगुनी हो गई? न गन्ने का भुगतान करा पाए, न धान की कीमत दिला पाए, और जब शाहजहांपुर में खाद की फैक्ट्री है तो खाद भी नहीं दिला पाए किसानों को। बताओ खाद मिल पाई क्या किसी को? और खाद अगर मिल भी गई होगी तो खाद की बोरी देखी होगी तो उसमें से खाद की बोरी से चोरी हो गई है। हो गई चोरी कि नहीं हुई? ये भाजपाई लोग कहते थे कि हवाई जहाज पे चलने वाला हमारा हवाई चप्पल वाला भी चल लेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है हमारी गाड़ी नहीं चल पा रही, गरीबों की गाड़ी नहीं चल पा रही। कहां चल पा रही है गरीबों की गाड़ी बताओ? और 100 से पार हो गया पेट्रोल। इनकी सरकार आ गई तो चुनाव के बाद राशन भी बंद हो जाएगा और ये पेट्रोल डीजल भी 200 के पार पहुंचा देंगे। ये गरीबों को बताएं, ये राशन केवल मार्च तक दे रहे हैं, मार्च के बाद नहीं दे रहे हैं। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, बताओ बजट में पैसा क्यों नहीं रखा राशन का? अगर बजट में पैसा नहीं है तो केवल वोट लेने के लिए राशन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग आपको बता के जा रहे हैं हमें गरीबों के लिए भोजन देना पड़े, राशन देना पड़े, सरसों का तेल देना पड़ेगा, चाहे घी देना पड़े, हम लोगों की सरकार बनेगी तो गरीबों को पौष्टिक आहार के साथ साथ उनको राशन देने का इंतजाम करेंगे। ये बीजेपी वाले कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। पता नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री किसकी गर्मी निकाल रहे थे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ इनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं। बताओ ठंडे ठंडे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अब जनता के सामने नहीं जा पा रहे हैं। ये बहुत प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन, बड़ी बड़ी फोटो आ रही थी, डोर टू डोर कैंपेन। अब इनका डोर टू डोर प्रचार बंद हो गया है। आपने इधर नहीं देखा होगा कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे।